बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान की। शुमाली वज़ीरिस्तान में हो क्या रहा है? Let's take a look at the salient features tonight। हुकूमत की अमन पेशकश, तालिबान का बार बार इनकार। मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में तालिबान का फौज बर्बाद। क्या शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का हो गया है आगाज? उसके अलावा और बहुत सारे सवाल जो इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत ने 6 जून को इख्तदार संभालने के बाद जिन मुल्की मसाइल को सर फहरिस्त रखा था, इनमें दहशतगर्दी सबसे अहम मामला था। दहशतगर्दी के मामले में हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम सियासी जमातों को इत्माद में लिया था और तालिबान से मुज़ाकरात करने का मुत्तफ़िका फैसला किया था। इट वॉज अ यूनैनिमस डिसीजन। हुकूमत और तमाम सियासी जमातों ने इस फैसले से मुल्क में ये सोचा था कि शायद अमन आ जाए, अपनी ख्वाहिश और नेक नियति का इजहार भी कर दिया था, मगर इसको बदकिस्मती कहिए या बैड प्लानिंग, दूसरी जानिब से ऐसा नहीं किया गया और तालिबान ने हुकूमत की अमन की हर पेशकश के जवाब में मुसलसल लड़ाई का ही इरादा जाहिर किया। यकम सितंबर यानी 1 सितंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फौजी कॉन्वॉय पर हमला कर दिया गया। उसके बाद एक और हमले में मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी को शहीद कर दिया गया। 22 सितंबर को पेशावर के एक चर्च में खुदकुश धमाका कर दिया गया। ये सारी दहशतगर्दी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर हुई। इस बात से ये वाजे हो गया कि तालिबान हथियार फेंक कर मुज़ाकरात के लिए हरगिज तैयार नहीं है। चंद रोज कबल शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 अहलकार शहीद और 33 जख्मी हो गए थे। अब हुआ ये कि इस पर पाक फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसके नतीजे में 33 दहशतगर्दों के हलाक होने की खबरें आईं। इस इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। इस हवाले से पाक फौज के सरबरा न्यू चीफ ऑफ आर्म स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा पावरफुल बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दों के हमले से हरगिज़ हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी, फौज अमन के लिए मुज़ाकरात के अमल में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करेगी, शोदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे, पाक फौज के जवान बहादुरी और हौसले की लाजवाल दास्तान रकम कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की हुई है, मगर दूसरी जानब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के कौमी जिरगे ने कबाली इलाकों में फौजी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा किया है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के जिरगे ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें ये कहा गया कि कबाली इलाकों में फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए, हुकूमत पाक फ़ज़ाइया को ड्रोन गिराने की इजाजत दे, खारजा पॉलिसी को कौमी उमंगों से हम आहंग किया जाए, पाटा ऑपरेशन के दौरान मुतासर होने वाले अफराद को मुआवजा अदा किया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुकामी तालिबान ने ये इल्जाम लगाया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बमबारी से बड़े पैमाने पर शहरियों की हलाकत हुई है, यानी दे हैव बीन सिविलियन कैजुअल्टीज। तालिबान ने हुकूमत को मीर अली में ऑपरेशन रोकने के लिए डेडलाइन भी दे दी। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के अमीर ने ये कहा कि हमने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज और हुकूमत हमारे सब्र से नाजायज फायदा उठा रही है। अगर हुकूमत ने आज दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू और ऑपरेशन बंद ना किया तो हालात खराब होने की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। उन्होंने कहा कि हमने आवाम से कह दिया कि वो आज 12 बजे तक इलाका खाली कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी कार्रवाई के हवाले से ये कहा कि अगर हुकूमत शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना चाहती है तो उन्हें कौम को बताना चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फौज के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत करते हैं, ताहम अगर फौज जवाबी कार्रवाई करने वाली थी तो उन्हें मीर अली पर बमबारी करने से पहले कम अज कम इलाके से खवातीन और बच्चों को निकाल देना चाहिए था। पहले ही खवातीन और बच्चे ड्रोन हमलों का बेगुनाह निशाना बन रहे हैं और ऐसी जंग जिसके लिए ये बेगुनाह लोग जिम्मेदार ही नहीं हैं, अब फौजी कार्रवाई भी इन्हीं लोगों पर मुजालिम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फाटा के औरतों और बच्चों को इस लापरवाही से नहीं देख सकते जिस लापरवाही से उनकी अपनी रियासत उन्हें देखती है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को न सिर्फ मुमकिन फौजी ऑपरेशन का कंट्रोल और जिम्मेदारी लेना चाहिए बल्कि ऐसी तमाम सियासी जमातों को भी मुतला करना चाहिए कि उन्होंने APC में जो मुज़ाकरात का फैसला किया था उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ या आया इसको तर्क कर दिया गया है।
तहरीक इंसाफ ड्रोन हमलों के खिलाफ और तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल बहुत जिद्दोजहद करती रही है, बड़ी सरगर्म रही है। मगर चंद रोज कबल जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाए उसकी इत्तला की तो उन्हें भी तालिबान की जानिब से कत्ल की धमकियां दे दी गई और तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा करना पड़ा। अब तालिबान के खिलाफ होने वाले हाली ऑपरेशन कर लें या फौजी कार्रवाई कर लें, इसके हवाले से फैली हुई ये जो एक किस्म की बेयकीनी है वो मुसलसल जारी है और लग भी रहा है कि तालिबान की दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने का एटलीस्ट वक्त आ गया है या ये वक्त आ गया है कि इस बारे में अब बातचीत की जाए। मुज़ाकरात का क्या हुआ और अब क्या होगा, हम इस पर तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ इंतहाई एनलाइटेंड पैनल मौजूद है। सलीम साफी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट, इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सलीम बुखारी साहब एडिटर द नेशन, अपने साफ और खड़े तफसीर की वजह से हर जगह माने जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस एनालिस्ट एंड उसके साथ साथ एक गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पर। इन हजरात से बात करेंगे बराबर ब्रेक की। वॉचिंग एपीएम करी है जी। एंड वेलकम बैक। अपने मेहमानों से एक बार फिर आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब एडिटर द नेशन, सलीम साफी साहब तजियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड इक्वली वेल नोन एवीएम शहजाद चौधरी दिखाई तजियाकार। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। साफी साहब आपसे आगाज करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान ने हुकूमत को ऑपरेशन बंद करने के लिए मोहलत दे दी, ये कौन सा ऑपरेशन है और क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में वहां पे जो फोर्सेस तैनात हैं तो वो शमाली वजीरिस्तान के आवाम के साथ हमने इन फोर्सेस को भी पिछले कई सालों से एक बड़ी आजमाइश से दो चार कर दिया है। ये हम सब जानते हैं कि शमाली वजीरिस्तान पे पिछले कई साल से अमलन तालिबान का कब्जा है और उधर हजारों की तादाद में फोर्सेज भी तैनात हैं। फिर हमारे हुक्मरान हमें जो पिछले भी थे और मौजूदा भी, ये हमें बताते रहे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके ताने बाने वो शमाली वजीरिस्तान से मिलते हैं, लेकिन पिछले सालों में इस हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी, न ताकत के इस्तेमाल की थी न मुजाकिरात की थी। अब ये जो नई हुकूमत आई है इसने फिर मुजाकिरात की सदा बुलंद की और अभी तक मुजाकिरात मुजाकिरात, लेकिन प्रैक्टिकली मुजाकिरात किसी भी वक्त किसी भी फोरम पे अमलन हुए नहीं है। आज भी उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो एक तो ये है कि वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पे भी दबाव बढ़ रहा है। मसलन जब बनू जेल तोड़ा गया, लोग वहां से आए और वहां से वापस गए, तो मुझ समेत हर कोई सवाल उठा रहा था कि भाई ये हजारों फौजी जो दरमियान में बैठे हुए हैं और ये पाठक हैं और उस पे लोगों को अजियतों से गुजारा जा रहा था, ये फौज उधर क्या कर रही है? तो एक तो उन पे भी ये प्रेशर बढ़ रहा था। अभी भी मुसीबत ये है कि या तो होना ये चाहिए था कि अगर हुकूमत कोई पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहती थी उसके लिए अभी तक ना तो कुछ हुआ, ना आज भी कोई रोड मैप बनाया गया, ना कोई अमली स्टेप उठाया गया। दूसरा फिर ऑप्शन था अगर फोर्स के इस्तेमाल का, तो जिस तरह स्वात में किया गया कि उसके लिए पहले से एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाई गई, फिर लोगों को इन्फॉर्म किया गया, लोग वहां से निकले, वो काम भी नहीं हुआ। अब उस रोज जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ एक खुदकुश, उसके नतीजे में उन्होंने रिटेलिएट किया, ठीक, अब वो वहां के लोग भी एक बहुत बड़े अजाब से दो चार हो गए। एक तो अभी तक जो क्लेम्स हैं हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लेम ये है कि उन्होंने सिर्फ मिलिटेंट को मारा है और गैर मुल्कियों का, वहां लोकल का और तालिबान का और मौलाना फजल रहमान जैसे रहनुमाओं का ये क्लेम है कि जो 50-60 लोग मरे हैं वो सब सिविलियन है, इमरान खान ने भी। अच्छा, तीसरा जो पिक्चर्स वगैरह हमें उधर से आ रही हैं, मीडिया तो उधर अलाउड नहीं है, तो उसमें भी ये है कि जो दोनों तरफ जो बाजार है वो हिट हुआ है। जब हम मुज़ाकरात पे बात करे थे आपने कहा था अगर ये बातचीत नहीं चली तो मार्च में आप फोर्सी करें कि ऑपरेशन होगा, उससे बहुत पहले एक मामला हो गया है गैर ऐलानिया ऑपरेशन की, आप एग्री करते हैं कि इस वक्त उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है बजाय फायदा होने का? देखिए, बात यह है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में दो ही ऑप्शन है, या डायलॉग, और अगर डायलॉग नहीं तो फिर ऑपरेशन। राइट, ये तो उसमें तो कोई यानी गोल्स बड़े क्लियर हैं दोनों तरफ और पॉसिबिलिटीज बड़ी क्लियर हैं। अच्छा, अब ये डायलॉग जो करना है वो तो सियासी हुकूमत ने करना है।
तो सियासी हुकूमत अगर डायलॉग नहीं इनिशिएट कर पाती या दूसरी तरफ कोई तैयार नहीं है या ये खुद इनका कोई अपनी सोच अभी वाजे नहीं है, तो उस सूरत में फिर डायलॉग की जो पॉसिबिलिटी है या जो डिले है वो आहिस्ता आहिस्ता एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, यानी वहां कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक, जो आपकी अफवाज है वो एक ऑपरेशनल पॉज की सिचुएशन में है। अफवाज आपकी हमेशा से नवाज़-ए-बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, एक डिवीजन के करीब फौज है जो वहां पे मौजूद है, मिल मिला के पैरामिलिट्रीज और मिलिट्री दोनों। तो अगर वो वहां मौजूद हैं और इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और काफी अर्से से एग्जिस्ट करते हैं, तो एक किस्म की को एग्जिस्टेंस थी कि बाकी एजेंसीज में ऑपरेशन हो रहा था लेकिन वहां पे अभी रिलेटिवली खामोशी थी बाकी एजेंसीज के मामले में। अच्छा, उसकी क्या वजूहत थी, उसकी दूसरी वजूहत है, वो भी अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। वी वी उसका वी। उसका अपना टाइमलाइन की उससे रिलेशनशिप है कि किस वक्त वहां पे ऑपरेशन करना मुनासिब होगा। ठीक, अच्छा, लेकिन ये जरूरी अमल है जिसको हमें याद में रखना चाहिए कि एक टाइमलाइन का ताल्लुक उस ऑपरेशन के साथ जरूरी था जो कि अभी तक सोचा गया था, यानी ये कि आप बातचीत करेंगे यहां पे, साथ ही साथ अफगानिस्तान में मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, यानी वहां इंटरनल बातचीत शुरू होगी, डायलॉग का एक अमल शुरू होगा, पीस प्रोसेस जिसे कहा जाता है, ना वहां पीस प्रोसेस शुरू हुआ ना हमारी सियासी हुकूमत कोई ऐसा वाजह लाया अमल लेके आई बातचीत के लिए। तो ये दोनों जगह वैक्यूम हो गया, अगर अफगानिस्तान में बातचीत हो जाती तो ये जो हकानीज थे या वो लोग जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं इनका गालिबन रुझान वापस अपने अफगानिस्तान जाने की तरफ हो सकता था या ध्यान उधर लग जाता। अच्छा, ऑपरेशन है क्या वहां पे? ऑपरेशन है सच, अभी कुछ नहीं है। हुआ क्या है कि पिछले महीने सवा महीने जब से ये फजलुल्लाह साहब आए हैं और जब ये हकीमुल्ला महजूद पे से दो तीन हफ्ते पहले उनकी जब डेथ हुई तो फिर उम्मीद ये पैदा हो गई, इनको ये हुआ कि शायद अब तो बिल्कुल ही कोई बातचीत का जरिया यानी उन साइड का होगा, तालिबान को ये होगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक, अब अगर नहीं हो पाता तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने आईईडीज लगाने शुरू कर दिए, काफिला जा रहा है उधर से धमाका हो गया रोड साइड बॉम्ब से, इस किस्म के मामला शुरू हो गए, यही कुछ कर सकते थे ना। डायरेक्ट अटैक दिल बहादुर के साथ जो मुआहदा था उसके हिसाब से ना वो कर सकते थे ना हम कर सकते थे। राइट, सलीम बुखारी साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। अभी कुछ रोज पहले तक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुज़ाकरात को अवलियत देने की बातचीत हो रही थी और अब जो हुआ है इससे आपको क्या नजर आ रहा है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या विल नहीं है या डिसीजन मेकिंग नहीं है? देखिए फरिया, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। सलीम साफी साहब आपके पास बैठे हैं तो काफी इलम रखते हैं क्योंकि खुद वहां लोगों से इनके रवाबत हैं, ये बेहतर जानते होंगे। मेरा डिलेमा यह है कि मुझे हुकूमत का ये जो ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए या उनकी नीयत थी या वो दे मेंट इट और दे डोंट मेंट इट, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये आगाज से जब से ये बात हो रही है, अमरीका जाने से पहले भी नवाज शरीफ के जो बात होती थी, ये मुझे नॉन स्टार्टर लगा, इसलिए कि जो दूसरी पार्टी है जिसने इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेना है उन्होंने इस पर कभी आमादगी जाहिर नहीं की। हकीमुल्ला महसूद की हलाकत के बाद से जो नई क्यादत आई है मौलवी फजलुल्लाह साहब की, उन्होंने जो बयानात दिए हैं अगर उसको आप आधा सच भी मान लें तो मुज़ाकरात की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती है। तीसरी बात यह होती है कि अगर बातचीत ने किसी भी स्टेज पर होना है तो उसके लिए दोनों तरफ की साइड जो दोनों फरीक हैं वो इकदाम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो तालिबान की क्यादत है, जो पाकिस्तानी तालिबान है, वो हमले खत्म कर देते, वो अटैक करने फौजियों को छोड़ देते, जिस तरीके से पाकिस्तान की साइड से रिस्ट्रेंट दिखाया गया काफी अरसे तक, लेकिन मुझे कहीं उसका रिस्पांस नजर नहीं आता है कि उसको रिस्पॉन्ड किया हो उन्होंने उसी स्पिरिट में। लिहाजा टॉक्स का मामला ख्वाहिशात तक तो ठीक है लेकिन ये कभी ना शुरू हुए थे ना कोई राबता था। आपको याद है जिस डेलीगेशन की बात हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, उसको भी डिनाई कर दिया था टीटीपी की क्यादत ने। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर दूसरी तरफ से ना ख्वाहिश है ना अमल से साबित कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो ये फिर हम किस अहमकों की जन्नत में बैठे हुए हैं कि मुज़ाकरात फर्स्ट प्रायोरिटी, मुज़ाकरात फर्स्ट प्रायोरिटी, एपीसी मुज़ाकरात, भाई किससे होने हैं? मेरी हुकूमत को यह भी नहीं पता कि कौन से ग्रुप से किन किन लीडरों से हमने बात करनी है। This to be clarified, क्योंकि ये बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया था हम मुज़ाकरात किससे करने जा रहे हैं, उसके ऊपर ऑपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी। किसकी नीयत ठीक नहीं थी इन मुज़ाकरात के मामले में? आपको कभी लगा था कि ये खतरख्वाह कामयाबी हासिल होगी इन मुज़ाकरात में? नहीं, हुकूमत की नीयत तो ठीक है लेकिन ये हुकूमत आमलन लाहौर की हुकूमत है। आज तो बाकायदा दारुल खिलाफा मेरे ख्याल में लाहौर शिफ्ट भी कर दिया गया क्योंकि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद की बजाय वहां पे आ रहे हैं। जी, अब जाहिर बात है जिस तरह मुझे यहां का बंदा होके, मैं लाहौर के डायनेमिक्स को नहीं समझ सका, मुझे उसमें कुछ दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, मुझे उधर जाना होगा, मुझे लोगों से मिलना होगा, वहां के स्टेक होल्डर से वो करना होगा। तो
तो जाहरी बात है कि उस हुकूमत की नीयत अगर ठीक भी हो लेकिन उनको वहां के जमीनी हकायक का वो पता नहीं लग सकता। ठीक, बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ये नहीं कि शायद रह रहे हैं, हम अमलन अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। वजह उसकी ये कि जब हमें मुजाकिरात के लिए ये मालूम नहीं है कि मैंने मुजाकिरात किससे करने हैं तो फिर मुझे एक्शन के लिए भी ये मालूम नहीं है कि मुझे एक्शन किसके खिलाफ लेना है। सवाल ये है कि ये जो कल और परसों और तरसों जो एक्शन किया गया है उसमें किया मौलाना फजलुल्लाह निशाना बने हैं, उसमें किया लतीफुल्लाह महसूद निशाना बने हैं, उसमें किया कोई दूसरे तालिब निशाना बने हैं, कोई अलकायदा का लीडर निशाना बने हैं, हमें बताया जाए ना। जो तस्वीरें हमें मिली हैं, जो बाकी जगह मिली उसमें तो कोई नहीं है। फिर दूसरा ये कि इससे पहले महसूद इलाके में ऑपरेशन हुआ था वहां पे हकीमुल्लाह महसूद को मारने के लिए, कारी हुसैन को मारने के लिए, बाकी लोगों को मारने के लिए, उनमें से तो कोई नहीं मर सका। वहां के लोग आज भी डिस्प्लेस्ड हैं, कोई कराची में कोई वहां पे है। ये अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो पिछले 3 सालों के दौरान किसी ने पूछा कि भाई वो जगह आप लोगों ने तलपट की थी, वहां से लोग बाहर निकले थे, वो लोग किस हालत में है? हमने कराची के और लाहौर के एक एक हल्के पे तो शोर मचाया लेकिन उसी महसूद इलाके से जो कौमी असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें 1000 से भी बड़ा नहीं है, वहां से हमारा MNA जो है वो 1300-1400 वोटों के साथ आया है। किसी ने ये सवाल उठाया कि वो बाकी इंसान किधर थे? इस वक्त भी देखे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने करने, कहते हैं मुजाकिरात किससे करे, लीडर मालूम है, वो सब कहते हैं कि मुल्ला मोहम्मद उमर हमारा अमीर मोमिनीन है, ठीक, आपने अगर बात करनी है तो भी उनसे कर ले और अगर ताकत का इस्तेमाल करना है तो भी उनसे कर ले। मैं जो असल जो चीज हमें तश्वीश है वहां से, फिर आपके तालिबान लीडर को तो आज तक जितना भी मारा है ड्रोन ने मारा है, हकीमुल्लाह महसूद को ड्रोन ने मारा, बेतुल्ला महसूद को ड्रोन ने मारा, कारी हुसैन को ड्रोन ने मारा, बदर मंसूर को ड्रोन ने मारा, इलियास कश्मीरी को ड्रोन ने मारा, वहां स्वाद साहेब नेमीन आ गया तीरा में उसको ड्रोन ने मारा। तो फिर तो अगर आपने इन तालिबान को खत्म करना है तो आपके ऑपरेशनों का जरा हमें रिजल्ट बता दे। एक बात, उसके तो हम खिलाफ हैं। दूसरी बात, ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग थे, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि इस मुल्क में आखिर क्यों कबाइली होना और लासानी का दूध स्याह प्लस मलेटी, गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। लासानी का असल दूध स्याह प्लस मलेटी। बात ये जो हक्कानी साहब हैं और गुलबादर साहब हैं, इनके मदरसे, इनके ठिकाने सारे उस वक्त बन गए थे 9/11 के बाद। फिर हमने उनसे कहा कि यार दहशतगर्द है, लेकिन दहशतगर्द भी हमने उनको पब्लिकली कहा क्योंकि हम अभी शहजाद साहब कह रहे थे ना, उधर हमने अफगान तालिबान को रखना था, उधर हमने उनको सपोर्ट करना था, उनको सेंचुरीज देनी थी, तो इसीलिए ये नॉर्थ वजीरिस्तान की ये हालत हो गई। फिर हमने एक फजूल मिथ बना दिया कि जी अफगान तालिबान अलग है और पाकिस्तानी अलग है। वहां का कंट्रोल तो हाफिज गुलबादर और इनके पास था, हक्कानी साहब के पास। हम इधर झूठ बोलते रहे कि अलग है, हालांकि उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद उधर गए, उन्होंने उनको पना दी, ये बाकी सारे लोग इधर गए। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे पॉलिसी साज इस इंतजार में बैठे हुए थे कि 2014 आएगा, हम अफगान तालिबान को उधर एकोमोडेट कर लेंगे, फिर उनसे कह देंगे कि भाई ये पाकिस्तानी तालिबान को हमारे साथ सीधा कर लो और 2-3 दिन में हम ACAC कर लेंगे। अब 2014 आया, वो उधर एकोमोडेट नहीं हुए, इधर इनकी आंखें तब खुली कि जब हकीमुल्लाह महसूद मर गया तो उस पे अफगान तालिबान ने उनको शहीद करार दे के उनकी हिमायत में बयान दे दिया। आपकी रियासत ने यह फैसला नहीं किया कि आपने वहां पे मुजाकिरात करने हैं या आपने एक्शन लेनी है और उधर से जाके आपने आम लोगों के खिलाफ, जिसकी वजह से आम लोगों को तकलीफ हो रही है, और फिर उस पर हम ये जश्न मनाएं कि जी ये तो एक्शन शुरू हो गया। तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि वहां पर सिविलियन ज्यादा मारे जा रहे हैं। यू एग्री विद दिस नैरेटिव? जो तालिबान ने भी कहा कि आप आम लोगों को मार रहे हैं, इमरान खान जो मिलिटेंट होगा, जो मिलिटेंट की लीडरशिप होगी वो तो आज भी डिसाइडेड नहीं है कि वो कुनर में बैठा हुआ है या वो कि मोहम्मद एजेंसी में बैठा हुआ है या इधर बैठा हुआ है। तो बराह रास्त सफरन उसका पहला जो है ना वो कबाइली ये सवाल कर रहा है कि ये सब कुछ तो पिछले 10 साल भी इधर थे ये लोग, ठीक, आपके रहमान मलिक साहब ऐलान करते थे कि जो कुछ हुआ तो वहां पे हुआ, ठीक, ये कल उन्होंने पहला खुदकुश हमला नहीं किया है। वो कबाइली सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने आके GHQ पे हमला कर दिया, इन्होंने आके प्रेड लाइन पे कर दिया, इन्होंने आके कामरा पे कर दिया, इन्होंने मेहरान बेस पे कर दिया। आप उससे कुछ नहीं कर रहे थे, आज आप अचानक अगर करने भी जा रहे तो मुझे तो पहले बताओ कि भाई यहां से निकल जाओ, मैं इनके साथ लड़ने आ रहा हूं।
ऐसा एक वक्फा ले लूं, बात हो रही है शुमाली वजीरिस्तान की, वहां पर ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सिचुएशन क्या है? फेसबुक पर भी हमने यही सवाल उठा दिया है, फेसबुक पर आप जाकर इस पेज पर क्लिक करके अपने कमेंट्स दे सकते हैं और ट्विटर पर अपना कमेंट दे सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। वक्फा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग एटीएम विद फरीहा अज़ीज़। वेलकम बैक। कहा यह जा रहा है कि शुमाली वजीरिस्तान में सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन जारी है, मगर सूरत हाल इतनी गंभीर थी कि जो हो रहा है वो नागजीर था। इसी पे हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। यही बात दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने भी कही, और फिर तालिबान का भी यही क्लेम है कि आप आम आदमी को मार रहे हैं, तो सिविलियन कैजुअल्टी क्यों हुई? नहीं नहीं, मैं तो इससे देखिए, इस बहस को जिस रंग में भी ले जाया जाए वही सही लगती है, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड और मेसी और कॉम्प्लेक्स जंग है। ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है, अगर इतनी आसान होती तो अब तक सारे मसले अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान और तालिबान के हल हो चुके होते। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि जिस रंग में भी ले जाया जाए, मेरा अपना ख्याल ये है कि आज एक गिवन सिचुएशन है, आप उस गिवन सिचुएशन की तारीख पे चले जाए तो कभी किसी चीज पे एग्री नहीं करेंगे कि क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, पाकिस्तान ने किस सरहद को किस तरह इस्तेमाल किया और किसने किस तरह इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका ने क्या किया वगैरह वगैरह। उस तारीख अगर उस तारीख में चले जाए तो फिर ये 19 पता नहीं कब से स्टार्ट होती है, कम से कम 47 से और आज तक चलेगी, या उससे भी पुरानी चलेगी, आपकी मर्जी है। अगर आप आज की गिवन सिचुएशन को आगे लेके चलना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसको हल कैसे करना है। ठीक, अब हल करने के मुख्तलिफ तरीके, आप ये कह सकते हैं हमने कहा एक डायलॉग के जरिए, तो सबसे पहले जब डायलॉग बोला होगा मिनिमम डिस्ट्रक्शन है, मिनिमम डिस्ट्रक्शन है डायलॉग के अंदर, तो ये डायलॉग का ये हुकूमत सियासी बसीरत कह रही है कि डायलॉग के थ्रू इसको हल करेंगे। तो सबने साथ अपना झंडा बुलंद किया कि बिल्कुल जी सौ बिस्मिल्लाह डायलॉग कीजिए और खत्म कर लीजिए, डायलॉग के थ्रू तो हल नहीं लगता नहीं है कि हल हो रहा है। अच्छा, अगर और मैं सलीम बुखारी साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि स्टेट डायलॉग कर नहीं सकती थी, ठीक डायलॉग कर सकती थी अगर उसको ये पता होता कि डायलॉग करना क्या है और किससे करना है और किस तरीके से करना है। और मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि स्टेट कभी कमजोर होती है, रियासत कभी कमजोर नहीं होती। बट एट द सेम टाइम यू सेइंग कि उनको पता नहीं था कि किससे बात कर रहे हैं। जाहिर है, क्योंकि ये तो इंसानों ने सोचना है ना, रियासत तो एक एंटिटी है ना, जमीन सोचती तो नहीं है, लोग सोचते हैं, राइट तो जो लीडर्स उसके जिम्मेदार हैं वो सोचते हैं। तो लोगों ने अगर नहीं सोचा, जिम्मेदारान को नहीं पता कि बात क्या करनी है, किस तरीके से करनी है, मुझे खौफ है अपनी सियासी बेस का, मुझे खौफ है कि पीटीआई कोई वोट ले जाएगी, मुझे खौफ है कि मुझे किस तरीके से परसीव किया जाएगा, मुझे खौफ है कि मुझे कहा जाएगा कि शायद ये पता नहीं किस किस्म का अमेरिका नाराज हो जाएगा, वहां से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो मुझे क्या पता। मुझे रियासत सिर्फ पोलिटिकल गवर्नमेंट भी तो नहीं है, मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप दोनों का ख्याल आपका ये है कि नहीं था कि हम डायलॉग करें। नहीं, आप क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रही है मिलिट्री को? भाई ये तो सियासी लीडर सियासी मारने का तरीका है ना, या मरने का या मारने का, उसके पास और कोई तरीका नहीं है। जुबान के अंदर वो तेज नहीं है, जुबान के अंदर जो लोग तेज हैं सोच समझते हैं वही लोग बातचीत करेंगे, तो ये तो ना हुई। अच्छा, अब आगे अगला मसला कि इसको जंग करना है तो क्या करना है। देखिए, इसका जो इब्तिदा है वो होनी चाहिए थी अमेरिका की उस एफर्ट के साथ जो कि उसको अफगानिस्तान में पीस डायलॉग की पीस प्रोसेस की शक्ल में लॉन्च करनी चाहिए थी, जो उसे आज से दो साल पहले हो जानी चाहिए थी। सही। अमेरिका क्यों नहीं कर पा रहा? क्या इसमें कारजाई और अमेरिका का आपस में एक मसला है, या कारजाई कुछ और उससे स्क्वीज करना चाहता है अमरीका से कि मैं डायलॉग या पीस प्रोसेस तब स्टार्ट होने दूंगा इंटरनली जब आप मेरी बात को या मेरे इलेक्शन को होने देंगे या उस मर्जी से होने देंगे जिस तरीके से चलना चाहिए। सो इसलिए अगर अमेरिका और कारजाई आपस में मामलात को, उनकी अपनी सियासत है जिसकी वजह से वो इंटरनल पीस प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सके, उनके पीस प्रोसेस स्टार्ट ना होने की वजह से और उसकी वजह से नहीं, लेकिन इन पैरल आपके अपने यहां भी सियासत फेल हो गई या अभी तक फिलहाल कोई ऐसे साइन नजर नहीं आए कि अपने तौर पर बातचीत के जरिए मामला, तो आप बदकिस्मती से बढ़ते जा रहे हैं एक क्लैश की तरफ, राइट, नॉर्थ वजीरिस्तान में बदकिस्मती से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ये बात इनकी बिल्कुल बजाय कि इतना मैसी होगा ये क्लैश, इतना गंदा होगा कि सवात को आप भूल जाएंगे कि सवात कितना क्लीन था, आप सवात को इतना क्लीन बोलेंगे सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस थी, ठीक, जिसमें आपने लोगों को निकालना था, जहां हाफिज गुल बहादुर ने आज से सवा महीना डेढ़ महीना पहले वार्न किया था लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर निकल जाओ अपनी चीजें लेके यहां से, होने वाला है क्लैश। अच्छा, वो उसको लोगों ने सुना या अनसुना,
अगर नहीं सुना तो फिर अभी तक उधर ही, और अगर अभी तक उधर ही है और अगर ये अभी भी अगले दो तीन महीने में मामलात सियासी तौर के ऊपर क्लियर नहीं होते कि हम वहां पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिस तरीके से हमने सवाल में किया था, फिर ये वाकई बहुत मैसेज मैंने कहा ना अर्ज किया आपसे पहले जवाब में कि ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है। ऑपरेशन होता है जब सब अफवाज इकट्ठी मिलकर इतने बड़े नंबर पे जाके वहां पे आप कह रहे हैं साहब, लेकिन बाकी लोग भी यही समझ रहे हैं कि वहां पे ऑपरेशन हो रहा है या नहीं, जो सिविलियन अनवाद का रोना हो रहे हैं, देखिए जो वहां कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, जो मरेंगे वो तो शोर मचाएंगे, जिनके मरेंगे वो शोर मचाएंगे, यहां पे भी मर रहे हैं तो फिर तो हम सबको शोर कलेक्टिव आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो ऑपरेशन बात साहब सलीम साहब, ऑपरेशन में तोपों के अंदर लोग मरते नहीं है, मरेंगे ना सर। आर वी सेइंग कोलैटरल डैमेज इज शुड नॉट बी मिनिमाइज्ड, सो देन परमिट ड्रोन्स जी, ये तो फिर आप पब्लिक ओपिनियन की बात है, आर्मी बहस को लेकर आगे चल रहे हैं, बहस को हमें किसी न किसी नुक्ते पे लेके जाना है। जी मैं अर्ज कर देता हूँ, देखिए दो बातें हैं, एक तो सलीम साफी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर स्टेट को मुजाकरात करने ही हैं और उन्हें तलाश है एक ऐसे बंदे की जिससे बातचीत हो तो वो सिवाय मुल्ला उमर के कोई नहीं है, इसलिए कि जितने ग्रुप्स हैं चाहे वो अफगान तालिबान हैं चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हैं, दे ओ ऑल देयर एलिजियंस टू मुल्ला उमर और उसके इन्फ्लुएंस में उनके अमीर है। कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है अगर उस लेवल से बातचीत का आगाज किया जाए, अगर हम स्प्लिंटर ग्रुप्स के पीछे भागते रहेंगे तो हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि जो कुछ ये शिमाली वजीरिस्तान में हुआ ये रेगुलर बाकायदा प्लैंड मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये काफिला जा रहा था उसके ऊपर हमला हुआ जिसमें से 5 फौजी मारे गए, उसके बाद इमीडिएटली ये रिएक्शन था वहां पर, और यही वजह है जो हम सिविलियन कैजुअलिटी की बात सुन रहे हैं। इट इज नॉट ए रेगुलर ऑपरेशन, इट वॉज अ सिचुएशन दैट इरप्टेड एंड द आर्मी पीपल हु वर देयर हैड टू रिएक्ट फॉर देयर ओन पीपल हु गॉट किल्ड। तीसरी बात सॉरी मुझे एक खदशा है, सलीम साफी को मैं चाहूंगा मेरी मदद करें इसके अंदर, मुझे कुछ यूं लग रहा है कि शायद मुजाकरात के हवाले से भी और ऑपरेशन के हवाले से भी फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, अगर एक पेज का दावा कर रहे हैं तो वो झूठा है। मेरे ख्याल से इस वक्त वाजे करना चाहिए, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवामुन्नास को यह बताएं कि उनके ऑप्शंस क्या हैं और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से कौन कौन उनके साथ एक पेज पर है, क्योंकि अगर आइसोलेशन में हुकूमत ने कोई मूव की और फौज ने कोई आइसोलेशन में अपनी मूव की ये डिजास्टर होगा, इट विल बी अ टोटल डिजास्टर। सो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड ले डाउन इट्स कार्ड्स, अपनी इंटेंशंस भी बताएं और अपने टारगेट्स भी बताएं। इसी तरीके से फौज की क्यादत को यह चाहिए कि अगर डायलॉग एक ऑप्शन है जिसकी के फौज की लीडरशिप भी अक्सर कहती रहती है तो लेट अस गो फॉर ए सीरियस डायलॉग, और अगर अल्टीमेट ये तय हो गया हुआ है कि ऑपरेशन है तो फिर इसमें आंख मचोली खेलने की जरूरत नहीं है, इसका भी ऐलान करें। सलीम साहबी आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। सिंगल पेज की बात है ना, ये सिंगल पेज है राइट, ये सिंगल पेज है लेकिन खाली है। ठीक, अब इस खाली पेज के ऊपर जितने मर्जी लोग बिठा लें वो बेमानी है, इस पे जब तक कुछ लिखा नहीं जाएगा इस पेज के ऊपर उस वक्त तक जितने लोग इस पे आएंगे नहीं उस वक्त तक उसका कोई फर्क पड़ेगा वो नजर आएगा कि हाँ किसी के सिंगल पेज पे आने से कुछ फर्क पड़ा। ये जब खाली होगा तो उस सिंगल पेज वो सिंगल पेज बेमानी रह जाएगा। इतना अच्छा रिजल्ट जाने के बाद भी ये पेज खाली है तो फिर गॉड ब्लेस, इसलिए ये पेज खाली है। उसके बाद पेज के ऊपर लाइनें लगानी होती है कि ये यहाँ से यूं करेगा ये यहाँ जाएगा इसका मतलब ये। अच्छा अब आप ये पेज आप खुद भरना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं भरने के लिए और या इसको खाली रखना चाहते हैं? तीनों सूरतों में नुकसान ही नुकसान, तीनों सूरतों में नुकसान है। लेकिन आपके ख्याल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया बुखारी साहब ने, क्या आपको लग रहा है एक पेज पर है फौज और हुकूमत ऑपरेशन के हवाले से? नहीं, पहली बात तो ये है ना कि ये पेज खाली भी नहीं है, ये पेज गंदा है। ठीक है, गंदा नहीं है यार, ये तो मैंने वैसे लाइन लगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग तो ज्यादा ही सिंबॉलिक गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर। मसलन अब इसमें ये था ना कि हमारी इस वक्त पिछले सालों में से लेके आज तक इस रियासत की कोई पॉलिसी नहीं है। सही बात है। ठीक, हम जो पिछले दो तीन दिन में हुआ ये ऑपरेशन था, सलीम साहब कह रहे थे, मैं भी बार बार कह रहा हूँ ये ऑपरेशन नहीं है, और अगर ये ऑपरेशन नहीं है
तो फिर वहां के मामला वहां के लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है कि जब सही ऑपरेशन होगा तो वो किस नोयत का किस खतरे का होगा। सर देखिए ये ऑपरेशन और उसका डिफिनेशन, जिस माँ का बेटा मरा है एग्री विद यू, उससे आप उसके लिए ऑपरेशन नहीं, उसके लिए कयामत है। तो मैं कह रहा हूँ जिसका दुकान उजड़ गया ये तो, लेकिन यहाँ पे भी कितने माओ के लोग उजड़ गए यार, मतलब सिर्फ एक जगह पे नहीं ना उजड़े, पाकिस्तान पूरे का पूरा उजड़े। मौलाना मसूद ने मारे हैं, वो मौलाना फैजुल्ला ने मारे हैं, वो उस मासूम कबाइली ने नहीं मारे जिसका कल ट्रेजिडी है। और बुखारी साहब मैं जानना चाहूंगी कि सब ये बात एक ही बात पे, इस पर एग्री करे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इतनी मजबूत कोशिशें नहीं की गई डायलॉग की। आपने खुद कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि बातचीत किससे करेंगे, और ऐसी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों ने शो की। तो जब एक चीज पे इतना इभाम था तो हम क्यों कहते रहे कि डायलॉग करें डायलॉग करें, अभी तक क्यों कहे जा रहे हैं हम ये? देखिए ये दावा हुकूमती जो वज़रा है या जो भी डील करते हैं इसको, ये उनका है। टेलीविजन चैनल्स पर बैठ के मैं, सलीम साफी साहब और दीगर साथी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि खुदा के लिए कोई सीरियस एफर्ट हमें नजर नहीं आती है। आपने अभी ये तय नहीं किया आपने बात किससे करनी है, आपका एजेंडा क्या होगा, आपको ये पता नहीं है जाना कहाँ है। वो जिस तीन रुकनी डेलीगेशन का तज़किरा चौधरी निसार साहब ने किया था उसको डिनाई कर दिया था अगले ही दिन तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भी, और उधर से हकीमुल्ला महसूद के ग्रुप ने भी। तो हम हैं कहां? पाकिस्तान आज आपको याद होगा कि चौधरी निसार आके बड़े गुस्से में मीडिया से कहते रहे कि आप हमें मत मजबूर करें कि आपसे हम शेयर करें, हम कर रहे हैं जो हमने करना है, हम ऑफ रिकॉर्ड हर बात हमारी जारी है मुज़ाकरात की। मैं आपको फरिया ये अंदर की बात बता रहा हूं कि किसी को कोई इदराक नहीं है। मैंने जो ख्वाहिशात का लफ्ज इस्तेमाल किया वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ तरफ से प्रेशर है उनके ऊपर कि भाई या बातचीत करो या ऑपरेशन करो, बात को खत्म करो। वो उसके जवाब में जो आता है वो चाहे असेंबली का फ्लोर हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहां इरशादात फरमा देते हैं विदाउट मीनिंग एनी वर्ड ऑफ इट। हमारा डायलेमा ये है जैसा मैंने कहा कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी गवर्नमेंट की सोच में, जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लेके एक नुक्ते पे इत्तफाक नहीं होगा, ये इसी तरह से ब्लीड करती रहेगी सिचुएशन। और जितनी देर तक ये ब्लीड करती रहेगी वहां के लोग, वो इलाका हमसे पीछे हट रहा है। खुदा के वास्ते हमारी लीडरशिप को इसका इदराक चाहिए। एब्सोल्युटली, मगर क्या आपके ख्याल से होगा इतराक? वो ये जो बात बुखारी साहब ने कही है, मुझे पता है कि अगर कोई हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद होते वो कहते हमने तो एक पेज पे आए तो वो पेज कौन सा हो? ठीक, पेज पर दोबारा आ जाते हैं। मेरे ख्याल में देखें वो पेज ये हो कि मैंने अफगानिस्तान को अफगानों के हवाले करना है। वो अपने लिए करजई को लाते हैं, मुल्ला उमर को लाते हैं, रूस को लाते हैं, अमेरिका को लाते हैं, वो अपना वो ख्वाब हम मजीद वो छोड़ दें कि आज भी हम इधर बैठ के अगर एक तरह के तालिब की तारीफें करेंगे, उसकी कामयाबी के लिए मुतमन्नी होंगे, दुआएं करेंगे, तो फिर हमें जहनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी उस तालिब को कबूल कर लेना चाहिए। तो क्विक अगर आप मुझे आंसर दे दें बिकॉज़ आई हैव टू रैप अप द शो, इफ यू कैन आंसर दैट, क्या आंसर व्हाट इज दिस द सॉल्यूशन कि हम आप शायद इतने अपनी खुद सेंट्रिक नहीं है जितना कि हमें होना चाहिए। ये फिर इसको इस तरह से मैं क्विक रैप अप नहीं कर सकता, मैं दो एक मिनट लूंगा इस चीज के। यू कैन स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट एंड आई रैप अप द शो। नो आई विल नॉट, आई विल नॉट, I agree with him. पाकिस्तान के अदारों को अपनी सोच को तब्दील करना है, हमें अफगानिस्तान को अफगानियों को ही देना है, और ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान अपने आप को संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि कारजई बीएसए नहीं एग्री करेगा बायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जब तक उसके इलेक्शन नहीं हो जाते, और उसके इलेक्शन तक उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो तालिबान है अफगान तालिबान ये डिलीवर करे अफगानिस्तान के पास कारजई के पास ताकि ये उससे बातचीत करे। अमेरिका तालिबान के साथ इनके साथ बातचीत करेगा अपने अपने इंटरेस्ट के लिए क्योंकि उसको पता कि ये डोमिनेंट फोर्स होगी जब अफगान जब वो यहां से जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो करेगा, और बीएसए ना साइन करने की वजह से वो इसको डिले कर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल बहुत बढ़ रही है। यही लोग अगर ऑपरेशन में जाते हैं अभी जबकि हकानीज वहां पर मौजूद है, ये हकानी चार प्रोविंसेस को बिलोंग करते हैं जो कि पाकिस्तान की सरहद से मुतसिल है। अफगानिस्तान में अमन हो गया, अफगानिस्तान में अमन हो गया, पाकिस्तान में अमन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चार प्रोविंसेस
आपके खिलाफ एक ऐसा महाज खोल के बैठेंगी अगर आपने हमला उस वक्त किया जबकि ये आपस में अभी भी आप अफगानिस्तान को पता करने पे जो तवज्जो सर्व करे वो बॉर्डर को सिक्योर करना भी बॉर्डर सिक्योर अपने बॉर्डर को। जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब का, सलीम साफी साहब एंड एवीएम सिद्धार्थ चौधरी साहब। बात यह है कि जिस बात पे सपने ही एग्री किया और जो कंफ्यूजन नजर आ रही है नेशनल लेवल के ऊपर इन पर्टिकुलर डायलॉग करें या ऑपरेशन करें इससे जितनी जल्दी निकलेंगे उसी में हमारी बेहतरी है। ना सिर्फ इस बेसिक सवाल के ऊपर बल्कि मोर लेस वॉरंट है कि जितने भी अहम या बेसिक फंडामेंटल सवाल थे उनकी कंफ्यूजन से अब भी अगर निकल आए तो बेहतरी है। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।